Okay, so today we will start with consignment. Now this topic is very easy and ये बहुत important भी आपके exam के लिए. बेसिकली अगर कोई कंसाइनमेंट का मतलब मेरे को पूछेगा तो मैं तो यही बोलूंगा, सेलिंग ऑफ गुड्स थ्रू एन एजेंट. राइट, आप एजेंट के थ्रू अपना माल बिकवा रहे हैं, एज सिंपल एज दैट. राइट, यू आर सेलिंग गुड्स थ्रू एन एजेंट. यूजुअली क्या होता है, अगर मैं खुद बेचूं, राइट, तो मैं क्या करूंगा, सेल्स डन बाय बिजनेसमैन हिमसेल्फ. अगर कोई खुद बेचेगा तो क्या होगा, सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, परचेस गुड्स फ्रॉम सप्लायर. ठीक है, दूसरा सेल गुड्स टू कस्टमर. मैं खुद ही बेचूंगा डायरेक्टली, मैंने खरीदा और मैंने बेच दिया. राइट, तो गुड्स किसके पोजीशन में, मेरे पोजीशन में ही है. मैंने खरीदा और मैंने ही बेच दिया. राइट, सेल डन बाय बिजनेसमैन हिमसेल्फ, तो मैं खरीदूंगा मैं ही बेचूंगा. तो अगर मेरे को मेरा इनकम स्टेटमेंट बनाना है, If I have to draft my profit and loss account, या income statement बोलो, तो debit side में मेरा purchases होगा, credit side में मेरा sales होगा. अगर कुछ बच गया है तो closing stock भी होगा, जैसे usually तुम लोग final account बनाता है, हाँ या ना, तुम लोग फाइनल अकाउंट बनाता है कि नहीं बनाता है, तो अल्टीमेटली यू गेट योर प्रॉफिट, इजंट इट. मैंने खरीदा मैंने बेचा, जो बच गया मेरे पास ही बचा हुआ है, इट इज इन माई पोजिशन, सो आई विल काउंट माई क्लोजिंग स्टॉक एंड अकॉर्डिंगली आई विल गेट द प्रॉफिट. गेम ओवर वहीं पे. बट अगर If I am selling goods sales done by agent, अगर मेरा एजेंट माल बेच रहा है, सो व्हाट इज हैपनिंग, परचेज गुड्स फ्रॉम सप्लायर बाय हूम, बिजनेसमैन, हाँ या ना, बिजनेसमैन माल खरीदेगा, सेंड गुड्स टू एजेंट फॉर सेलिंग. मेरे को उसको माल भेजना पड़ेगा एंड देन गुड्स सोल्ड बाय एजेंट.
पिक्चर क्लियर हो रहा है? तो मैं जो तुमको गुड्स भेज रहा हूं, यहां पर सेल कंप्लीट नहीं हो रहा है. द मोमेंट आई एम सेंडिंग यू गुड्स, सेल इज नॉट कंप्लीट. इधर में मैं खरीदा, मैं बेच दिया, सेल कंप्लीट हो गया क्योंकि अल्टीमेटली ओनरशिप कस्टमर को मिल गया है. तो मैं अपना इनकम स्टेटमेंट में परचेस सेल दिखाऊंगा, लेफ्ट ओवर को क्लोजिंग स्टॉक दिखाऊंगा, मेरा प्रॉफिट आ जाएगा. लेकिन यहां पे मैंने खरीदा, मैं अपने एजेंट को भेज रहा हूं सेलिंग के लिए और एजेंट फिर बेच रहा है. तो अगर मैं अपना अगर इनकम स्टेटमेंट बनाऊं यहां पर, इफ आई प्रिपेयर माई इनकम स्टेटमेंट, राइट, तो परचेजेस मैंने किया है, सेल मैंने नहीं किया यहां पे, आई हैवन्ट डन द सेल. समझ में आ रहा है? सेल कब कंप्लीट हो रहा है? जब मेरा एजेंट माल बेचेगा. गॉट माई पॉइंट? यहां पर वही सेल आएगा जो मैंने किया है, तो माई सेल्स इज जीरो. फर्दर ये गुड्स मेरे पोजिशन में भी नहीं है. दीज गुड्स सेंड टू एजेंट, तो मेरे इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट नहीं आ रहा. मैंने जो खरीदा मैंने अपने एजेंट को भेज दिया है. मेरा एजेंट बेचेगा और फिर मेरे को इंफॉर्मेशन सबमिट करेगा कि आपने मेरे को 100 गुड्स भेजा था, उसमें से मैंने 70 बेच दिया, 30 बच गया हमारे पास. तो बोला ठीक है, आप इसको अपने पास ही रखिए, अगले साल फिर देखेंगे. तो यहां पर प्रॉफिट जो हमें निकालना है, राइट, यहां पर जो प्रॉफिट हम लोगों को निकालना है, राइट, ये यहां से आएगा नहीं. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन केस ऑफ कंसाइनमेंट वी प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑफ सेल्स डन थ्रू एजेंट. मैंने खरीदा, वो मैंने मेरे एजेंट को दे दिया, यहां पे सेल हो गया है क्या? इज द सेल कंप्लीट हियर? नो, सिंपली आई हैव गिवन हिम द पोजिशन फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग. तो मेरे को क्या करना है, मेरे को अलग से कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट बिजनेस. दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट बिजनेस. तो जितना गुड्स एजेंट को भेजा गया है उसको दिखाएंगे. बेसिकली ये इट विल बी ट्रीटेड एज सॉर्ट ऑफ परचेजेस फॉर दिस बिजनेस. कंसाइनमेंट वाला मॉडल के लिए ये परचेज माना जाएगा ना. जब एजेंट बेच देगा माल, व्हेन एजेंट विल सेल, तब हम लोग यहां पे सेल दिखाएंगे. हाँ ना, एजेंट जब सेल कर देगा तब मैं यहां सेल दिखाऊंगा. फिर एजेंट मेरे को बोलेगा कि 30% स्टॉक इज स्टिल लेफ्ट टू बी सोल्ड, तो मैं दिखाऊंगा स्टॉक लाइंग अनसोल्ड विथ एजेंट. हाँ ना, यस और नो? स्टॉक लाइंग अनसोल्ड विथ एजेंट, तब जाके हमारा आएगा
प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट बिजनेस। इज इट फाइन? हाँ, तो मैंने जो गुड्स खरीदा है वो मेरा सेल नहीं हुआ है, याद रखिएगा ये बात। द गुड्स विच आई हैव परचेस्ड इज नॉट सोल्ड। मैंने जो खरीदा है वो सेल नहीं है, तो मेरा सेल जीरो है, जीरो। मैंने खरीदा, एजेंट को भेज दिया बस, तो मेरे इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट नहीं आएगा। मेरे इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट कब आएगा? जो माल मैं खुद बेचूंगा, राइट? तो इसीलिए कंसाइनमेंट मॉडल का प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग अलग से एक अकाउंट बनाते हैं, विच इज नोन एज कंसाइनमेंट अकाउंट। जो भी गुड्स एजेंट को दिया गया है सेल के लिए, वो कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए परचेज एक्सपेंस माना जाएगा, यस और नो? इसलिए मैंने उसको डेबिट साइड में लिखा है। यहां पर सेल कब कंप्लीट होगा? जब एजेंट बेच देगा कस्टमर को, तब यहां पर सेल आएगा। जितना बच गया वो इस बिजनेस का क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा। आज एजेंट के पास में जो भी 30% लेफ्ट ओवर आइटम है वो तो मेरा ही है ना, उसका मालिकाना हक मेरे पास ही है, बिकॉज आई हैव जस्ट गिवन हिम फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, यस और नो? हाँ या ना? तो अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट आ गया। अब आप लोग मेरे को बोलेंगे, सर ये काम वो फ्री में तो करेगा नहीं, फ्री में करेगा क्या? नहीं। तो हम लोग उसको क्या देंगे? कमीशन। और जो कमीशन हम उसको देंगे, मेरे लिए वो क्या है? एक्सपेंस है। तो उसके बाद हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। इज दैट फाइन? तो सर आप डायरेक्टली बेचते, आपको और फायदा होता, कमीशन नहीं देना पड़ेगा। Why you are not selling directly? Why you are going through agent? मेरा business बढ़ाना है, मेरे को expansion करना है। आज मेरे लिए possible नहीं है मैं हर जगह जाके पढ़ा सकूं। Is it possible? Not possible. तो simple सा चीज है, अगर मेरे को मेरा business को expand करना है, it is not possible for me to go to each and every customer. तो मैं एजेंट्स को अपॉइंट करूंगा। अब तुम्हारे मन में यह भी सवाल आएगा, सर ये एजेंट लोग अपना पैसा क्यों नहीं लगा के बिजनेस स्टार्ट कर देता है, इतना कैपिटल कहां से लाएगा? इसीलिए ये लोग किसी से माल लेता है, उसका माल बेचता है, बदले में कमीशन खाता है। तो विदाउट इन्वेस्टमेंट दे आर अर्निंग प्रॉफिट, विच इज कमीशन फॉर देम। गॉट माई पॉइंट? तो मेन बिजनेसमैन क्या कर रहा है? गुड्स खरीद रहा है, या तो वो खुद बेच सकता है, अगर खुद बेचेगा तो उसका प्रॉफिट ट्रेडिंग पीएल से आ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट से, अपना परचेज अपना सेल क्लोजिंग स्टॉक दिखा के प्रॉफिट निकाल लेगा। अगर वो अपने एजेंट के थ्रू बेच रहा है तो उसने खुद ने तो सेल किया नहीं है, तो इसका मतलब जो माल एजेंट के थ्रू बेचा जाएगा उसका प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट से नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट से नहीं आएगा। तो जितना माल एजेंट को भेजा गया है वो यहां से हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, तो इस अकाउंट में कोई प्रॉफिट नहीं आया। आया क्या? कोई प्रॉफिट नहीं आया ना। तो जितना माल एजेंट को भेजा गया है बेचने के लिए फॉर कंसाइनमेंट बिजनेस, वो क्या माना जाएगा? एक्सपेंस, परचेस, दिखा दिया मैंने। जो माल एजेंट बेच देगा वो कंसाइनमेंट बिजनेस का इनकम हो गया, जो लेफ्ट ओवर होगा वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्योंकि आज भी मैं ही उसका ओनर हूं। कंसाइनमेंट ये सारा काम फ्री में करेगा नहीं, मेरे को उसको क्या देना है? मेरे लिए वो क्या है? एक्सपेंस में दिखा दिया, अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो बताओ इस चैप्टर में कोई डिफिकल्ट पार्ट है क्या? कुछ भी नहीं है ना। आइए, इज दैट फाइन एवरीवन? सो आई विल गिव यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स, उसी से हमारा क्लियर हो जाएगा।
एग्जाम्पल वन, गुड्स, सेंड टू कंसाइनी. नाउ कंसाइनी का मतलब हो गया एजेंट. ठीक है, मैं टर्मिनोलॉजी में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. ठीक है, गुड्स सेंड टू एजेंट 1,00,000, डन. तो मेरा परचेस करोड़ों में होगा, मेरा परचेस करोड़ों में होगा, लाखों में होगा, उसमें से मैंने 1,00,000 का माल तुमको भेजा है. गॉट माई पॉइंट? गुड्स सोल्ड बाई कंसाइनी 70% फॉर रुपीज 1,20,000. इज दैट फाइन? कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, कमीशन पेएबल इक्वल्स टू 10%. अब ये जाहिर सी बात है, जो कमीशन देना है मेरे को 10%, ये कौन से वैल्यू पे देना है? जितना माल वो बेचेगा. अरे भैया, जो माल उसने बेचा नहीं उस पे मैं अगर उसको कमीशन दे दूंगा तो होगा क्या? कल को अगर वो नहीं बेचा तो मेरा तो फालतू में खर्चा लग गया ना. तो कमीशन अगर कुछ बोले चाहे ना बोले, बेटा ये कॉमन सी बात है, ये ऑलवेज किस पे कैलकुलेट होगा? सेल्स वैल्यू पे. मेरी बात आ रही है सबको समझ में? हाँ. तो सर आपने अभी बताया कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट निकालने के लिए कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम लोग? वेरी गुड. कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट निकालने के लिए सर आपने अभी हम लोगों को बताया कि हम लोग बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट. बरोबर है? डेबिट में सारा खर्चा लिखेंगे, क्रेडिट में सारा इनकम लिखेंगे. जो गुड्स कंसाइनी को भेजा गया है वो कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? वो एक्सपेंस माना जाएगा. हाँ या ना? यस और नो? जो गुड्स हमने कंसाइनी को भेजा है वो कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा? तो मैं यहां लिख सकता हूं गुड्स सेंट टू कंसाइनी कितना? 1,00,000. तो टू गुड्स सेंट टू कंसाइनी लिख सकता हूं. हाँ, कंसाइनी ने 70% माल बेचा है. 70% से मतलब नहीं है, अभी 1,20,000 का माल बेचा है. कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए ये क्या माना जाएगा? इनकम. इनकम कौन से साइड में आता है? क्रेडिट. अभी मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा. डोंट यू थिंक कि तुमको ये पैसा तुम्हारे एजेंट से लेना है? हाँ या ना? तुम्हारा एजेंट कस्टमर को बेच के पैसा अपने पास रख के रखा है, लेकिन तुमको ये पैसे किससे मिलेंगे? कस्टमर से मिलेंगे कि एजेंट से मिलेंगे? तो तुम यहां क्या करोगे, रेफरेंस में कंसाइनी का नाम डाल दोगे, ब्रैकेट में सेल. नहीं, इज दैट फाइन? तो कंसाइनी को जो माल भेजा गया है बेचने के लिए उसको कंसाइनमेंट बिजनेस में क्या माना जाएगा? परचेज एक्सपेंस. दिखा दिया मैंने, कंसाइनी जो माल बेच दिया है वो कंसाइनमेंट बिजनेस में क्या दिखाया जाएगा? इनकम. यस और नो? और ये पैसे मेरे को किससे लेने हैं? एजेंट से लेने, इसलिए कंसाइनी अकाउंट में चढ़ाया हूं. गॉट माई पॉइंट? कितना प्रतिशत माल अभी तक नहीं बिका? तो मैं बोल सकता हूं गुड्स लाइंग, गुड्स लाइंग
अनसोल्ड विथ कंसाइनी कितना है? 30% हाँ या ना? तो गुड्स का कैलकुलेशन किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे कि सेलिंग प्राइस पे? तो 1 लाख का 30% कितना होता है बेटा? 30,000, 1 लाख इंटू 30%, इज दैट फाइन? हाँ या ना? हमको उसको कमीशन देना है 10%, 10% ऑफ व्हाट? 1,20,000 जो सेल हुआ उसी पे उसको कमीशन मिलेगा, 12,000 रुपया। तो कमीशन जो मैं दूंगा, कंसाइनी अपने बुक्स में इसको क्या दिखाएगा? मैं क्या दिखाऊंगा? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता कौन है? मैं, बिजनेसमैन। अच्छा, बिजनेसमैन को हम लोग कंसाइनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द वन हु इज सेंडिंग द गुड्स फॉर सेलिंग। मेरा माल मैं तुमको दे रहा हूं, मैं कंसाइनर, तुम कंसाइनी, मैं प्रिंसिपल, तुम एजेंट। तो ये जो हम बना रहे हैं, ये किसके बुक्स में बना रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो तुम्हारे लिए कमीशन इनकम है, बट मेरे लिए कमीशन कितना है? 12,000 खर्चा, मैं डेबिट साइड में दिखाऊंगा। ये कमीशन मेरे को देना किसको है? हाँ हाँ, तो मैं इसको कंसाइनी अकाउंट में चढ़ा दूंगा और यहां पे दिखा दूंगा कमीशन एक्सपेंस। बेटा बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इज दैट फाइन? बच गया। तो मैंने जो माल भेजा वो कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए परचेज, तुमने जो बेचा, मैंने जो भेजा, द अमाउंट ऑफ गुड्स विच आई हैव सेंट यू फॉर कंसाइनमेंट बिजनेस इट इज एक्सपेंस, द अमाउंट ऑफ गुड्स विच यू हैव सोल्ड दैट इज इनकम, लेफ्ट ओवर इज क्लोजिंग स्टॉक, कमीशन फॉर यू इट्स इनकम, फॉर मी इट्स एक्सपेंस। तो डोंट यू थिंक टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट बिजनेस आ जाएगा? कितना आ रहा है? 38,000। बात आ रही है समझ में? 100% बोलो, बरोबर है? क्लियर हो गया ना? हाँ, एकदम सिंपल है। तो ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा, ये कौन बनाएगा? बिजनेसमैन, कंसाइनर, जिसका माल है वो। कंसाइनी को पूरे धंधे में क्या मिला? कमीशन। और वो कमीशन तुम्हारे लिए क्या है? एक्सपेंस। क्लियर हो गया बात? कोई वांदो नहीं? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल टू। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को ही बोलते हैं गुड्स सेंट टू कंसाइनी। अलग अलग टर्मिनोलॉजी से मैं आपको अवेयर करवा रहा हूं। 1,00,000 रुपया, 70% गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी फॉर रुपीज 1,20,000। ठीक है, कंसाइनी इनकर्ड रुपीज 10,000 फॉर सेलिंग द गुड्स,
उसने 10,000 रुपया खर्चा किया, हो सकता है कोई एडवर्टीजमेंट दिया हो, कोई लिफलेटिंग किया हो, कोई पैम्पलेटिंग किया हो, कोई प्रचार किया, उसमें उसका 10,000 रुपया खर्चा हो गया। कमीशन पेबल टू कंसाइनी 10%। कैलकुलेट प्रॉफिट, कैलकुलेट प्रॉफिट बोलते ही आप समझ जाना किसका निकालना है, कंसाइनी का निकालना है कि कंसाइनर का निकालना है। कंसाइनी का तो एक मिनट में आ जाएगा, 1,20,000 का 10% 12,000 उसका कमीशन है, हाँ या ना? सबको बात समझ में आ रही है? आइए, तो इस बिजनेस का प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। ये कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बनाएगा? कंसाइनी की कंसाइनर, वेरी गुड। क्योंकि हमको तो भैया प्रॉफिट से कंसाइनर को मतलब है, कंसाइनी को कोई मतलब नहीं है। तुमने हमने माल बेचने को कहा, मैंने बेच डाला, मेरा कमीशन दे दो, घमल वहीं खत्म खेला। अच्छा और एक बात, तुम अगर ज्यादा तिड़िंग बिड़िंग करोगे ना, तुम सपोज सब बोलते हो हम आपको तुम्हारा कमीशन नहीं देंगे, अच्छा इतना सस्ता है? पैसा तुम्हारा मेरे पास में बेटा, उसमें से हम अपना कमीशन काटेंगे और बाकी का रुपया तुमको पकड़ा देंगे, जाओ जो करना है कर लो, समझ में आ रहा है? तो कंसाइनी से थोड़ा इज्जत से पेश आया करो। कंसाइनी वो इंसान है जिसका माल बेच के पैसा उसके पास में है, गॉट माई पॉइंट? सो नेवर ट्राई टू मेस विथ कंसाइनी एनी वे। सो वी हैव टू डू दिस इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इट्स वेरी क्लियर। एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट कंसाइनमेंट अकाउंट। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए कंसाइनी को जो माल भेजा गया है वो इस बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा? परचेस, हाँ या ना? तो डेबिट साइड में आएगा, तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मैं आपको डायरेक्टली लेजर पोस्टिंग करवा रहा हूं, बट एग्जाम में अगर जनरल पूछेगा तो इसलिए लिख दीजिएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर? 1,00,000 का माल भेजा गया है, हो गया 70% माल बेच दिया कंसाइनी, तो वो ये वाले बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा? सेल्स इनकम माना जाएगा, 1,20,000। और ये पैसे तुमको किससे लेने हैं? तो आप कंसाइनी के अकाउंट में चढ़ा देना। इज दैट फाइन? अच्छा तो बाकी 30% बच गया ना, गुड्स लाइंग अनसोल्ड, गुड्स लाइंग अनसोल्ड विथ कंसाइनी, तो 30,000 आएगा, 1,00,000 का 30%, हाँ या ना? डन। अच्छा अभी 10,000 हमने माल बेचने के लिए खर्चा किया था। भैया देखो तुमने हमको माल बेचने को कहा, उसके बदले में तुम हमको कमीशन दे रहे हो, लेकिन खाली कमीशन से नहीं होगा, एक जगह लेनी पड़ेगी, उसका भाड़ा कौन देगा? बोला मैं दूंगा।
जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं, सपोज इफ आई टेक अ ब्रांड सपोज एलेन सोली, सब कंसाइनमेंट मॉडल पे हैं। जितने भी फ्रेंचाइजीज है सपोज बाटा, आप पेंटालून चल जाओ ना, पेंटालून को क्या, आपको क्या लगता है वो जितने स्टाफ वहां खड़े रहते सब पेंटालून्स के हैं? कंपनी खुद भेजती है उनको कि भैया हमारा वहां स्टोर है, तुम जाके खड़े रहो। तो डिपेंड करता है कि हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस कैसा फिक्स हुआ है। अगर आप हमको हाई कमीशन दे रहे हैं 40% 50%, तो इन दैट केस आप मेरे को खाली कमीशन देंगे, भाड़ा का पैसा आप मुझे नहीं देंगे। लेकिन आप मुझे 5% 6% कमीशन दे रहे, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि उसमें से मैं आपका सेलिंग एक्सपेंसेस भी बियर करूं? आपने मेरे को माल बेचा, भेजा है, सॉरी बेचा नहीं है, भेजा है बेचने के लिए। अगर आप भी इसको बेचते तो आपको भी एडवर्टीजमेंट करना पड़ता, वो खर्चा तो आपका भी लगता ना। तो कहने का तात्पर्य है कि कंसाइनी जो खर्चा करता है वो रीइंबर्स हो जाता है कंसाइनर द्वारा। कंसाइनर कंसाइनी में जो रिश्ता है ना, वो एजेंसी का रिश्ता होता है। एजेंसी में ऐसा ही होता है, एजेंसी में ऐसा ही होता है। जो प्रिंसिपल होता है जिसको कंसाइनर अपन बोल रहे हैं, वो जब गुड्स भेजता है, मैंने तुमको गुड्स भेज दिया, तुम बेच के हमको पैसा दे दो, तो बेच के जब तुम हमको पैसा दोगे तो एक तो तुम अपना कमीशन काटोगे, प्लस जो भी खर्चा तुम्हारा लगा उसका तुम रीइंबर्समेंट भी ले लो। गॉट माय पॉइंट? तो ये जो माल बेचते वक्त जो खर्चा लगा ना, इसका पैसा भी मुझे देना है। मुझे मतलब कौन? टू बी बॉर्न बाय कंसाइनर। लेकिन अगर हमारा एजेंसी का जो अग्रीमेंट है उसमें देख लेंगे, अगर हाई परसेंटेज है कमीशन का तो वो उसमें लिखा रहेगा अग्रीमेंट में कि ऑल अदर एक्सपेंसेस विल बी बॉर्न बाय यू, राइट? तो कहने का मतलब है ये जो 10,000 हमने कंसाइनी ने जो खर्चा किया, ये भी मेरे लिए तो खर्चा ही है ना, मैं उसको रीइंबर्स करूंगा। मेरे लिए क्या है? ये एक्सपेंस है। अगेन दिस एक्सपेंस इज पेबल टू, तो मैं उसके पर्सनल अकाउंट में डाल दूंगा। सेलिंग एक्सपेंस, फर्दर मेरे को कमीशन भी देना है, हाँ या ना? कितना देना है? 12,000 का, 1,20,000 का 10% कितना होता है? ये भी मेरा खर्चा है। तो मेरा टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आ गया ना, कितना? 28,000। इज दैट फाइन? बात समझ में आ गई सबको? पक्का? तो कंसाइनी को जो माल मिलता है बेचने के लिए, वो कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए जस्ट लाइक परचेजेस, कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए। जब कंसाइनी बेचेगा तो उसको सेल दिखाया जाएगा, लेफ्ट ओवर विल बी क्लोजिंग स्टॉक, कमीशन अलॉन्ग विथ अदर एक्सपेंसेस विल बी रीइंबर्स्ड, सो फॉर मी ऑल आर एक्सपेंसेस। गॉट माय पॉइंट? प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आ गया, क्लियर है? क्या एग्जाम्पल थ्री,
गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जीएससी मतलब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है ना। 1 लाख, सत्तर परसेंट गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, 1,20,000, कंसाइनी इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ रुपीस 2,000 फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 2,000 फॉर लोडिंग अनलोडिंग एंड 8,000 फॉर सेलिंग द गुड्स। कमीशन 10%, ठीक है सर, सेम समय। हाँ, वहां पे आपने एक साथ बता दिया था 10,000 इनकर्ड फॉर सेलिंग द गुड्स, यहां पे आप अलग अलग बाइफर्केशन दे दे रहे हैं। जब सामने वाला माल भेजेगा ना, मेरे घर के बाहर में माल आ चुका है, अभी उसको ऊपर नीचे से लेके ऊपर उठाना है, तो मैं मुटिया को बुलाऊंगा, लेबर को, उसको बोलूंगा भैया इसको लोडिंग अनलोडिंग करने का कितना लोगे, बोला 2,000 लेंगे साहब। गॉट माई पॉइंट? तो वो ब्रेकअप मैंने बता दिया एक्सपेंसेस का आपको। सो अगेन सेम थिंग, प्रॉफिट निकालना है तो सबसे पहले बताइए प्रॉफिट से मतलब किसको है, कंसाइनी को कि कंसाइनर को? इन द बुक्स ऑफ, ये वाला जो बिजनेस मॉडल है सेलिंग ऑफ गुड्स थ्रू एजेंट, इसका प्रॉफिट निकालने के लिए कौन सा अकाउंट बनता है? कंसाइनमेंट अकाउंट, और ये कंसाइनर बनाता है। वेरी गुड। इस वाले मॉडल में जो भी गुड्स भेजा गया है कंसाइनी को फॉर सेलिंग, वो क्या माना जाएगा? परचेज एक्सपेंस। तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हाया ना, इज दैट फाइन? जो भी माल कंसाइनी बेच दिया वो क्या माना जाएगा? 1,20,000 भाई कंसाइनी से लेना है ये पैसा। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग निकालेंगे थोड़ा देर में, वेट करेंगे अभी, ठीक है। इसके अलावा तुमने कितना खर्चा किया? 10,000 ना, वो मेरे लिए खर्चा, क्योंकि आई विल रीइंबर्स यू, यस और नो? तो कंसाइनी ने क्या क्या खर्चा किया है? कंसाइनी में चढ़ा देंगे लोडिंग एंड अनलोडिंग 2,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 8,000, हाँ या ना, यस और नो? एंड मुझे आपको कमीशन भी देना है 12,000 का। आप कोई भी खर्चा करिए, आपका सारा खर्चा आई विल रीइंबर्स, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है।
हमारे तुम्हारे बीच में ऐसा रिश्ता है, आप जो भी खर्चा करेंगे माल बेचने के लिए, दैट आई विल रीइंबर्स यू. इज दैट फाइन? हाँ. अब एक बात बताना, इसमें ऐसा कौन सा खर्चा है जो फिक्स्ड नेचर का है, जो एक ही टाइम लगेगा, वन टाइम? लोडिंग अनलोडिंग. सेलिंग एक्सपेंस तो जितनी बार बेचेंगे उतनी बार लगेगा. गोडाउन का भाड़ा, जब तक माल नहीं बिकेगा तब तक देना होगा. सेल्समैन को सैलरी हर महीना देना पड़ेगा. लेकिन एक बार गोडाउन में माल आ गया तो क्या मुटिया को मैं डेली पैसा दूंगा? तो ये जो हमारा लोडिंग अनलोडिंग है, ये कितनी बार लगेगा? एक बार. तो जो खर्चा एक बार लगता है उसको अपन बोलते हैं फिक्स्ड इन नेचर. क्या? या हम लोग उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग. क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरे शब्द नहीं है. आई रिपीट, दीज आर नॉट माई वर्ड्स. ये शब्द जो हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के शब्द हैं. राइट? एज पर AS2 एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ऑर्डर टू bring the goods to present As per AS2, any expenditure incurred in order to bring the goods to present location and condition will be added to purchase cost. कहने का मतलब है, जो खर्चा नॉन रिकरिंग टाइप का है जो खर्चा नॉन रिकरिंग टाइप का है उसको भी हमको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए. क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या होता है, बोलिए. ये इस साल बिका नहीं, अपन इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. क्लोजिंग स्टॉक का एक और लॉजिक बताओ. विच प्रिंसिपल explains the concept of closing stock? It is the matching principle. ये खर्चे को, ये हमारा expense है ना, expenses are to be matched with revenue. तो आज जब यहां पर 70% सेल है तो कॉस्ट भी यहां 70% होना चाहिए. इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से 30% को हटा दे रहे हैं. हाँ या ना? तो इधर में जो कॉस्ट है वो COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. जैसे मैं इसमें से 30% हटाऊंगा, मेरा COGS कितना हो गया? 70% हो गया. मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, क्वांटिटी की बात कर रहा हूं. हमने 70% माल बेचा है, मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है 70% खर्चा आएगा आपका. तो इसका भी 70% क्यों नहीं किया आप? क्योंकि ये सेल्स से रिलेटेड है. चीज समझना, जब मैं मैचिंग की बात कर रहा हूं, मेरे को वही खर्चा लेना है जो सेल से रिलेटेड है.
आज ये जो 10,000 मैंने खर्चा किया ये 100% गुड्स के लिए किया कि 70% के लिए किया है? जी समझ रहा है मेरा बात? ये तो ऑब्वियसली मैच्ड ही है कमीशन। ये कमीशन आपने 100% का दिया कि 70% का दिया है? तो ये तो ऑलरेडी मैच्ड है। ये जो मैंने दिया ये 70% का दिया, कमीशन भी 70% का दिया, सेल्स भी 70% का है, तो ये तो मैच्ड है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट मैच्ड नहीं था, इसलिए ऑपोजिट साइड में अपने गुड्स लाइंग भी दिखा के सीओजीएस को भी 70% बना दिया। अब तुम लोग मेरे को बताओ, सेल्स कितना प्रतिशत का है? 70। ये 100% है तो इसका 30% आएगा, हाँ या ना? तब तो मैच होगा ना। कमीशन कितना प्रतिशत का है? ऑलरेडी मैच्ड है। सेलिंग एक्सपेंस कितना प्रतिशत का है? ऑलरेडी मैच्ड है। लोडिंग अनलोडिंग कितना प्रतिशत का है? मैच्ड है क्या? तो इसका भी 30% निकालना पड़ेगा। मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है वही चीज दिखाओ जो इस साल का रेवेन्यू से रिलेटेड है। सेल 70% हुआ है, सारा खर्चा 70% से रिलेटेड होना चाहिए। सर सेलिंग एक्सपेंस 70% का ही है 10,000, कमीशन 70% का ही है 12,000, लेकिन लोडिंग अनलोडिंग वन टाइम है, रिलेटेड टू परचेजेस है। ये 70% का नहीं है, ये 100% का है, तो इसका भी 30% कैरी फॉरवर्ड होगा। एवरीवन था, इसलिए यहां पे AS2 में लिखा है कोई भी खर्चा अगर गुड से रिलेटेड है, प्रेजेंट लोकेशन मतलब पैकिंग कॉस्ट, गुड्स का जो पैकिंग होता है, वो प्रोडक्शन प्राइमरी जो पैकिंग होता है ना, प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग का बात नहीं कर रहे हैं। जैसे ये लिक्विड को बॉटलिंग इज नेसेसरी, लिक्विड का बॉटलिंग इज नेसेसरी, तो ये इसका प्राइमरी पैकिंग हो गया, ये जरूरी है। लेकिन अगर मैं इसको एक थैली में डाल के दूं, ये जरूरी नहीं है, आप हाथ में भी दे सकते हैं, ये सेकेंडरी पैकिंग हो गया। तो प्रेजेंट लोकेशन मतलब जहां तक, जहां से माल बिकेगा वहां तक का लाने का सारा खर्चा ऐड होगा। वहां आ गया माल, उसके बाद जो खर्चा है वो रेकरिंग खर्चा हो गया, वो वन टाइम नहीं होगा। मुटिया माल गोडाउन में ला दिया, वहां तक का खर्चा, उसके बाद जो भाड़ा लग रहा है, बिजली बिल लग रहा है, सेल्समैन है, कमीशन है, वो सब नहीं। कंडीशन मतलब प्राइमरी पैकिंग, सेलिएबल कंडीशन में होना चाहिए ये। मैं किसी को बोलूंगा लो सैनिटाइजर खरीदो, लो आओ, लो 5 रुपया दो, ऐसे मैं हाथ में 2 बूंद डाल दूंगा और बोलूंगा 5 रुपया दो, ऐसे बिकता है क्या ये? प्राइमरी पैकिंग इज नेसेसरी, इज दैट फाइन? समझ में आ रहा है सबको? सर अगर ये नहीं भी बोलते ना आप, ऊपर वाला खाली समझा देते तो भी हमको समझ में आ जाता कि मैचिंग करना, हर एक खर्चा को रेवेन्यू ऑफ द करेंट ईयर के साथ मैच करना है। अगर मैच कर दिया तो कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, राइट? सो हमको करना क्या है, जब मैं गुड्स लाइंग अनसोल्ड निकालूंगा, बाई गुड्स लाइंग अनसोल्ड विथ कंसाइनी, राइट, तो 1,02,000 का मैं 30% करूंगा। 1,00,000 का नहीं, 1,02,000 का, एक
1,02,000 का मैं 30% करूंगा, कितना आता है? 30,600। तो ये आ जाएगा हमारा टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, कितना? 27,400। ठीक है, ज्यादा आएगा। मेरा गणित में ठीक नहीं बैठ रहा था इसलिए हमने पूछा। Is that fine? सबको समझ में आया? तो present location मतलब point of sale, यहां तक लाने का जो जो खर्चा है सारा one time खर्चा है। Matching principle बोलता है revenue के साथ match करो, तो इनको भी carry forward करना पड़ेगा। और location हो गया point of sale, condition हो गया saleable condition में होना चाहिए। Is that fine everyone? Okay. तो जैसे जैसे ये हम लोग करते जाएंगे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। एग्जाम्पल नंबर, सब आएंगे, बोला थोड़ी है खत्म हो गया है। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1,00,000, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर सेंडिंग द गुड्स 5,000। आज एजेंट के पास माल भेजना पड़ेगा ना, मैं खुद थोड़ी लेके जाऊंगा। है ना, 70% गुड्स, नॉन रिकरिंग मतलब वन टाइम हो गया, रिकरिंग मतलब बार बार। नॉन रिकरिंग नॉन रिकरिंग रिकरिंग के बजाय वो लोग नॉन सेलिंग सेलिंग भी यूज कर सकता, जो मैंने किया, ठीक है ना।
स्टार्ट करें नाउ, टेल मी प्रॉफिट को किससे मतलब है? कंसाइनर को प्रॉफिट से मतलब है कि कंसाइनी को? सो दिस इज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. कौन सा अकाउंट बनाता है प्रॉफिट निकालने के लिए? ध्यान से, जो भी गुड्स कंसाइनी को भेजा गया है वो इस बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा? परचेजेस, एक्सपेंस. टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1 लाख. जो भी भेजते वक्त खर्चा किया गया है वो इस बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा? एक्सपेंस. जस्ट लाइक कैरेज इनवर्ड ऑन परचेज. हाँ या ना? तो क्योंकि हमने ये डायरेक्टली पे कर दिया है तो हम टू बैंक में दिखाएंगे इसको. ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस. लिखा है ना, हमने इनकर किया है तो हम डायरेक्टली पे कर दिए. ये जो तुम जस्ट लाइक परचेज ट्रीट कर रहे हो, ये पहले परचेज अकाउंट में था, वहां से निकलकर यहां आएगा. जी समझ रहे हो? लेकिन ये तो तुम डायरेक्टली पे कर दिया, इसलिए तुम सीधा पेमेंट दिखा के इसको खर्चा दिखा रहा है. रेफरेंस मुद्दा नहीं है मेरा. मेरा मुद्दा रेफरेंस नहीं है. मैंने जो कंसाइनी को भेजा है, बेचा नहीं, भेजा है, सेंड. मैंने जो कंसाइनी को सेंड किया है फॉर कंसाइनमेंट बिजनेस, इट विल बी ट्रीटेड लाइक परचेजेस. मैंने भेजते वक्त जो खर्चा किया, इट विल बी ट्रीटेड लाइक एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड. क्लियर? इस बिजनेस में सेल कब माना जाएगा? एजेंट बेच देगा. एजेंट कितना में बेचा है? 1,30,000 में. ठीक है, हम लोग यहां पे बाई कंसाइनी बोल के दिखा देंगे क्योंकि ये पैसे मेरे को उससे लेने के हैं. डन. कंसाइनमेंट बाद में निकालेंगे, अभी बात करते हैं. कंसाइनी को खर्चा भी रीइंबर्स करना है. क्या क्या चीज का? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस का 2,000 देना है मेरे को, रिकरिंग एक्सपेंस का मेरे को 8,000 देना है. मेरे लिए तो खर्चा ही है ना. और कमीशन देना है कितना? चलिए आइए. गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना प्रतिशत का है? 100% का है. अच्छा, पहले ही बात करते हैं, सेल कितना परसेंट हुआ है? 70%. कमीशन कितना परसेंट का है? 70% का. रेकरिंग एक्सपेंस, रेकरिंग वाला सेलिंग एक्सपेंस, ये भी 70% का है. नॉन रेकरिंग वाला लोडिंग अनलोडिंग कितना प्रतिशत का है? ये 100% का. ट्रांसपोर्ट चार्ज 100% का है. हाँ या ना? और गुड्स एंड कंसाइनमेंट भी 100% का है. तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? सभी को मैच करो सेल्स के साथ तो सभी का 30% कैरी फॉरवर्ड होगा. हाँ या ना? अच्छा, तो यहां पे अपने गुड्स लाइंग अनसोल्ड विद कंसाइनी भी बोल सकते हैं, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट भी बोल सकते हैं. तो इसको अपन क्या बोलेंगे? स्टॉक
कंसाइनमेंट, ठीक है। तो 1 लाख का 30% तो करना ही है, 5,000 का भी 30% करना है, 2,000 का भी करना है, तो सभी का मिला के 30% करना है, कितना हुआ? 32. जैसे मैं स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट दिखाया, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना परसेंट का हो गया? इफेक्टिवली 70% का हो गया। ट्रांसपोर्ट चार्ज इफेक्टिवली 70 का हो गया। नॉन रिकरिंग इफेक्टिवली, क्योंकि माइनस करने से 30% कैरी फॉरवर्ड हो गया। इज दैट फाइन? सो ये मेरा मैच्ड प्रॉफिट आएगा। टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कितना, ठीक से बताना, कितना? क्या मैं बोल सकता हूं व्हाइल कैलकुलेटिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट प्रोपोर्शनेट कंसाइनर एक्सपेंस एंड प्रोपोर्शनेट कंसाइनी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस टू बी कंसिडर्ड, हाँ या ना? प्रोपोर्शनेट दोनों का मेरे को कंसिडर करना है। क्लियर? एवरीवन, हाँ, अभी क्या है, मान लो हमने माल बेचा एजेंट के थ्रू, अगर मान लो हमारा सेल करते वक्त कोई बैड डेप्ट होता है, ये रहा, हमने माल बेचा कोई बैड डेप्ट हो गया, क्या करूंगा मैं? बैड डेप्ट इसी सेल से रिलेटेड है, तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? आप बैड डेप्ट को लॉस बोल के बुक करिए,
हाँ या ना? मैंने माल बेचा, मैंने बुक कर दिया, अभी मेरा एजेंट के थ्रू मैं माल बेच रहा हूं, लोग जब मैं बेचता हूं तो पैसा चोट होता है, मैंने मेरे एजेंट को बोला, वो भी माल बेचा, उसका भी कुछ बैड डेब्ट हुआ, वो कौन बियर करेगा? ही इज जस्ट एन एजेंट फॉर मी, वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा मेरे इंस्ट्रक्शन के बिना। आज वो उधार में बेच रहा है तो ये भी ये मेरा इंस्ट्रक्शन है उसको कि बेचो, थोड़ा बहुत नुकसान होगा देख लेंगे। फर्दर आप उसको कमीशन दे रहे हैं 10%, जो अपन उसको कमीशन देते ना, इसको बोलते अपन ऑर्डिनरी कमीशन। क्या बोलेंगे? एम आई गिविंग हिम समथिंग एक्स्ट्रा? तो उसका काम क्या होगा? वो माल बेचेगा और कस्टमर का नाम, पता, फोन नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब डिटेल कंसाइनर को दे देगा, बोला आप समझिए, आपका पैसा समझे, आपने मेरे को खाली बेचने बोला था। द मोमेंट यू टेल मी कि कलेक्शन का भी जिम्मेदारी तेरा, तो द मोमेंट यू टेल मी दिस लाइन, आई विल आस्क यू 5% एक्स्ट्रा, एंड फॉर दैट 5% एक्स्ट्रा अगर कोई लॉस भी होता है, देन आई एम रेडी टू बियर दैट। तो यहां पे तो खाली ऑर्डिनरी कमीशन ही है। तो अगर मान लो कोई बैड डेप्ट हो जाए, सपोज 2000 का बैड डेप्ट हो गया, हमारा इतना सारा एग्जाम्पल में सपोज यहीं पे बात कर लो, अगर मान लो यहां पे हमारा 2000 का बैड डेप्ट हो गया, एम आई गिविंग हिम एनीथिंग एक्स्ट्रा? बिल्कुल भी नहीं ना, मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूं। तो हु विल बियर दिस लॉस? सो नो एडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसाइनी के पास में कोई एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट गिविंग हिम एनीथिंग एक्स्ट्रा। सो इन दैट केस क्या होगा? बैड डेब्ट मेरे को ही बियर करना पड़ेगा, बैड डेब्ट मेरे को ही बियर करना पड़ेगा। पैसा काट लेगा ना वो, पहले ग्रॉस फिगर को सेल दिखाया गया, यहां पे तो ग्रॉस फिगर को सेल दिखाया है, तुम व्हाट इज दिस फिगर? ये जो फिगर है ये कौन सा फिगर है? ग्रॉस। इसमें से 2000 रुपये एक कस्टमर चोट कर दिया तो तुम पैसा थोड़ी दोगे उसका, तो तुम क्या बोलोगे? मैंने 1,30,000 में बेचा, 10,000 का मेरा खर्चा था, 13,000 मेरा कमीशन, 2000 रुपया एक कस्टमर का बैड डेब्ट है। यस और नो? सो अगर कोई बैड डेब्ट होता है तो हम लोगों को चेक करना है, आर वी पेइंग समथिंग एक्स्ट्रा, 5%, 2%, 7% एक्स्ट्रा,
इफ नॉट बैड डेप्ट आई विल बियर. इफ आई एम गिविंग हिम समथिंग एक्स्ट्रा तब आई एम ओनली कंसर्न अबाउट माई ग्रॉस फिगर. अब लॉस भी होगा तो तुम अपना कमीशन से बियर करोगे. एम आई क्लियर? हाँ, तो इसलिए मैंने यहां लिखाया है अगर बैड डेप्ट है तो चेक क्या करना है हमको, कोई एडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या कंसाइनी का? साफ समझ में आ जाएगा नो, बिकॉज खाली 10% कमीशन मिल रहा है उसको, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा. तो अगर कोई एडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो इन दैट केस बैड डेप्ट लॉस टू बी बॉर्न बाई कंसाइनर. उसका काम खाली बेचना है, बेच के वो मेरे को नाम अता पता फोन नंबर सब दे देगा. क्लियर? सो बैड डेप्ट आई विल बियर. इन दैट केस प्रॉफिट कितना आएगा? 32,100. क्लियर? तो पूरा पिक्चर क्लियर हो गया कंसाइनमेंट का. हाँ, तो कल भी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली कल वी विल कंप्लीट इट. तो तुम्हारा काम क्या है, जो बुक है उसको रीड करके आना है. समझ में आ गया मेरा बात? हाँ, मैचिंग प्रिंसिपल समझ में आ गया? चलिए, वेरी गुड.